नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक वीर योद्धा का किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया, किस प्रकार उस क्रूर हत्यारे का वध किया गया। शिवाजी महाराज मुगलों के आंतरिक कलेश को ध्यान से देख रहे थे। जब मुगल शहजादे उत्तराधिकार के युद्ध में व्यस्त हो गए तो शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिल शाही पर बिजली बनकर टूट पड़े और उसके बहुत सारे क्षेत्र अपने राज्य में मिला लिए। इस समय बीजापुर की गद्दी पर आदिल शाही द्वितीय आसीन था। यह वही आदिल शाही थी जो विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर खड़े छोटे छोटे राज्य को निगल गई थी तथा जिसने शाहजी को 4 साल तक अपने बंदी गृह में रखा था। बीजापुर का सुल्तान समझ गया कि यदि शिवाजी महाराज के विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो शिवाजी संपूर्ण आदिल शाही को निगल जाएंगे। इसलिए ईस्वी 1659 में अफजल खान को विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। उससे कहा गया कि शिवाजी से किसी तरह की संधि नहीं की जाए, उसे या तो बंदी कि वह घोड़े से बिना उतर ही धूर्त शिवाजी को बंदी बनाकर सिंहासन के पायों से बांध देगा। इधर शिवाजी महाराज भी अफजल खान को जान से मार देना चाहते थे क्योंकि अफजल खान ने धोखे से बहुत से हिंदुओं की हत्या की थी और उनका सर्वनाश किया था। शेरा का हिंदू शासक कस्तूरी रंगन युद्ध का त्याग करके अफजल खान की शरण में आया था तथा अफजल खान ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। उसके उपरांत भी अफजल खान ने बड़ी क्रूरता से कस्तूरी रंगन की उसके परिवार सहित हत्या कर दी थी। इसके अलावा उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा और उन्हें तहस नहस कर दिया था। लूटपाट और क्रूरता उसका मुख्य हथियार था। यहां तक कि अफजल खान ने शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी शाहजी भोसले की भी हत्या करवाई थी। शिवाजी हिंदुओं के शत्रु को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। अफजल खान शिवाजी महाराज की सेना में भय एवं आतंक फैलाने के लिए मार्ग के समस्त हिंदू मंदिरों और देव विग्रहों को तोड़ता हुआ और गांवों को उजाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने बाई के निकट डेरा डाला। अफजल खान की तैयारी को देखते हुए शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ दुर्ग में चले गए। यह दुर्ग पहाड़ की एक पतली चोटी पर स्थित था। इस पर न तो चढ़ाई करके शिवाजी महाराज को बाहर निकाला जा सकता था और न ही घेरा डालकर बैठा जा सकता था। इसलिए अफजल खान ने एक कपट चाल बुना। उसने कुलकर्णी ब्राह्मण कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजकर कहलवाया कि अफजल खान शिवाजी के पिता शाहजी का मित्र है। यदि शिवाजी अफजल खान के पास चलकर संधि कर ले तो शिवाजी को सुल्तान से क्षमादान दिलवा सकता है। शिवाजी महाराज ने बड़ी आत्मीयता से कृष्णजी भास्कर उसके साथियों का स्वागत सत्कार किया तथा उनके ठहरने का प्रबंध इस प्रकार किया कि शिवाजी कृष्णजी के साथियों की दृष्टि में आए बिना कृष्णजी भास्कर से एकांत में भेंट कर सके। शिवाजी ने कृष्णजी तथा उसके साथियों से कहा, मैंने अपनी मूर्खताओं के कारण बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं जिनके लिए मैं लज्जित हूँ। यदि अफजल खान मुझे शाह से क्षमादान दिलवाना चाहे तो मैं आत्मसमर्पण के लिए तैयार हूँ और समस्त दुर्ग वापस करने की इच्छा रखता हूं। कृष्ण जी और उनके साथी शिवाजी के इस उत्तर से संतुष्ट हो गए। रात्रि में एकांत पाकर शिवाजी कृष्ण जी से मिलने के लिए पहुंचे और ब्राह्मण के पैर पकड़कर बोले, मैंने आज तक जो कुछ भी किया वह हिंदू धर्म एवं हिंदुत्व की भलाई के लिए किया है। मुझे तुलजा भवानी ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं गौ ब्राह्मण और हिंदू मंदिरों में विराजित देवी विग्रहों की रक्षा करूं। जो धर्म विरोधी लोग देवालयों को तोड़कर नष्ट कर रहे हैं मैं उन्हीं को समाप्त करने व दंडित करने का कार्य कर रहा हूं। ब्राह्मण होने के नाते आपका भी यह कर्तव्य कि इस पुनित कार्य में मेरी सहायता करें। इसके लिए आपको पुण्य और पारितोषिक दोनों प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर शिवाजी महाराज ने कृष्ण जी को बहुमूल्य उपहार दिया तथा दीपरा नामक गाँव इनाम में देने का वचन दिया। यह गाँव पीढ़ी दर पीढ़ी कृष्ण जी के परिवार के पास ही रहने देने का वचन भी दिया। कृष्ण जी इस समय दुष्ट अफजल खान का दूत बनकर आए थे, किंतु वह भी मुसलमानों द्वारा हिंदू प्रजा पर किए जा रहे अत्याचारों से बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म के रक्षक और प्रजावत्सल राजा
शिवाजी की सहायता करने का प्रण लिया। उन्होंने शिवाजी महाराज को बता दिया कि अफजल खान का प्रण है कि वह शिवाजी को बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कृष्ण जी ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि किसी भी तरह सुल्तान से संधि करने में ही भलाई है, क्योंकि तुम किसी भी प्रकार विजयी नहीं हो सकते। शिवाजी महाराज ने कृष्ण जी की बातों से सहमति जताई तथा अपने दूत गोपीनाथ पतंजी को अफजल खान के पास संधि की शर्तें तय करने के लिए नियुक्त किया। कृष्ण जी भास्कर पतंजी को अपने साथ लेकर अफजल खान के शिविर में चले गए। कृष्ण जी ने अफजल खान को समझाया कि शिवाजी संधि करने को तत्पर है, क्योंकि वह जानता है कि अफजल खान से लड़कर जीत नहीं सकता। गोपीनाथ पतंजी चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने अफजल खान को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह अपने एक अंगरक्षक की उपस्थिति में शिवाजी से मिले तथा शिवाजी भी अपने एक अंगरक्षक के साथ मिलने के लिए आए। यदि अफजल खान शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें तो शिवाजी महाराज ने अफजल खान से निपटने की हर संभव तैयारी की। उन्होंने प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे की ढालू धरती पर एक शामियाना लगवाया जो चारों तरफ से खुला हुआ था। वहां तक जाने के लिए नीचे से ऊपर तक के वृक्ष एवं झाड़ियां काटकर एक मार्ग बनाया गया तथा अन्य सभी मार्गों को कांटेदार झाड़ियों से अच्छी तरह बंद कर दिया गया। शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर तथा पेशवा मोरोपंत के नेतृत्व में अपनी मावली सेना को पर्वतीय गुफाओं और झाड़ियों में छिपा दिया, जो किसी भी संकट के समय शिवाजी महाराज के पास पहुंचकर सहायता कर सके। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए कि जैसे ही दुर्ग से तोप चलने की आवाज हो, मावली सेना तत्काल अफजल खान की सेना पर धावा बोल दे। निर्धारित समय पर अफजल खान अपने साथ लगभग 1500 सैनिक लेकर प्रतापगढ़ दुर्ग की तरफ रवाना हुआ। गोपीनाथ पंतों ने उससे कहा कि वह अपने अंगरक्षकों को यहीं छोड़ दे, अन्यथा शिवाजी महाराज मिलने के लिए नहीं आएंगे। इस पर अफजल खान ने सेना को दुर्ग की तलहटी में ही छोड़ दिया था। अपने अंगरक्षक सैयद बंदा और मध्यस्थ कृष्ण जी भास्कर को लेकर दुर्ग की पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उधर शिवाजी ने प्रातःकाल से ही इस भेंट की तैयारी शुरू कर रखी थी। उन्होंने तुलजा भवानी की पूजा की, शरीर पर लोहे की जाली की पोशाक पहनी तथा उसके ऊपर ढीले ढाले वस्त्र धारण किए। सिर पर साफे के नीचे इस्पात की टोपी पहनी तथा अपने बाएं हाथ में बग नखा और दाएं हाथ के नीचे बिछुआ छिपा लिया। समस्त तैयारियां पूरी होने पर शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई के चरण पकड़कर आशीर्वाद मांगा और गंतव्य के लिए रवाना हो गए। तानाजी मालुसरे तथा जीव महला नामक दो अंगरक्षक शिवाजी महाराज के साथ चले। अफजल खान शिवाजी से पहले ही शामियाने में पहुंच चुका था। शामियाने में शानदार बहुमूल्य कालीन बिछाए गए थे। उन्हें देखकर अफजल खान ने कटाक्ष किया कि क्या एक जागीरदार के लड़के को इतनी शान और शौकत शोभा देती है। तब गोपीनाथ पंतों ने जवाब दिया, हुजूर, यह समस्त सामान शिवाजी के आत्मसमर्पण के साथ ही बीजापुर सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब तक शिवाजी महाराज वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए संदेश भाग को उन्हें लाने के लिए भेजा गया। अफजल खान शिवाजी महाराज की इस उद्दंडता पर झल्लाने लगा। कुछ समय पश्चात शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे तथा जीव महला के साथ शामियाने के निकट आते हुए दिखाई दिए। अफजल खान का अंगरक्षक सैयद बंदा भी अफजल खान की तरह अत्यंत हष्टपुष्ट तथा भारी डिलडोल वाला व्यक्ति था। शिवाजी महाराज ने उसे देखकर शामियाने के बाहर ठिठक कर खड़े हो गए। नाटे कद के साधारण शरीर वाले शिवाजी महाराज को देखकर अफजल खान ने उनकी समस्या को समझ लिया और सैयद बंदा को पीछे हटने को कहा। शिवाजी महाराज ने शामियाने के भीतर आकर अफजल खान का अभिवादन किया। अफजल खान ने कृष्ण जी भास्कर से पूछा कि क्या यही शिवाजी है। कृष्ण जी भास्कर के हां कहने पर अफजल खान ने शिवाजी महाराज से पूछा, तुमने क्यों हमारे किलों को लूटा और अनुजाड़ बना दिया। शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, मैंने राज्य की सेवा की है। मैंने डाकू लुटेरों को किलों से भगाकर शाह का कब्जा करा दिया है। मुझे इनाम मिलना चाहिए, न कि दंड। अफजल खान ने नाराज होकर कहा, तुम अब इतने बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें शाह का खौफ भी नहीं रहा। शिवाजी महाराज ने कहा, नहीं खां साहब, मैं तो शाह की खिदमत कर रहा हूं और हमेशा उनका खिदमतगार रहूंगा। अफजल खान ने कहा, खैर जो हुआ सो हुआ, अब तुम सारे के लिए मुझे वापस कर दो और मेरे साथ शाह से अपने इन अपराधों के लिए माफी मांगने बीजापुर चलो। शिवाजी महाराज ने कहा, यदि मैं शाह का इस प्रकार का फरमान पालूं
तो उसे सिर पर रखकर पालन करूंगा। तभी कृष्ण जी भास्कर ने कहा, अभी तुम खान की सुरक्षा में हो, झुककर सलाम करो और माफी मांगो, खान तुम्हें माफ कर देंगे। शिवाजी महाराज ने जवाब दिया, खान और मैं दोनों सुल्तान के सेवक हैं, फिर खान कैसे मेरे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं? फिर भी यदि आप मुझसे कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता और खान की गोद में अपना सिर रखता हूं। इतना कहकर शिवाजी महाराज ने खान से गले मिलने के लिए आगे बढ़े। अफजल खान ने गले मिलते समय शिवाजी महाराज की गर्दन को जोर से अपनी बाह में जकड़ लिया और गला घोंटकर मारने की कोशिश की। शारीरिक शक्ति के मामले में शिवाजी महाराज अफजल खान की तुलना में कुछ भी नहीं थे। वह अफजल खान के कंधों तक कठिनाई से आ पा रहे थे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान की पकड़ से मुक्त होने के लिए अपने बाएं हाथ से बंधे बग नखे से उनके पेट पर प्रहार करके उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल दिया, जिससे अफजल खान की पकड़ ढीली पड़ गई। अवसर मिलते ही शिवाजी ने अपने दाएं हाथ से फंसे बिच्छू से खां के पेट पर और भी जबरदस्त प्रहार किए। अफजल खान जोर से चीखा। इन दोनों को गुत्थम गुत्था देखकर उनके अनुचर भी शामियाने में चले आए। शैयद बंदा ने अपनी तलवार से शिवाजी महाराज के सिर पर भयानक प्रहार किया। इससे शिवाजी महाराज की पगड़ी के नीचे रखी इस्पात की टोपी कट गई और शिवाजी महाराज को भी चोट लगी। जीव महला भी दौड़कर आया और उसने सैयद बंदा के हाथ पर तलवार से वार करके उसका हाथ काट डाला। सैयद बंदा दूसरे हाथ से युद्ध करता रहा। इसी बीच अफजल खान के कहारों ने अफजल खान को उठाकर पालकी में डाल लिया और उसे लेकर भागने लगे। तभी निकट छिपे हुए शिवाजी महाराज के सिपाहियों ने आकर अफजल खान का सिर काट लिया तथा उसे लेकर प्रतापगढ़ दुर्ग की ओर भाग लिए। वहां उसे ऊंचे बांस में लटकाकर दुर्ग की बुर्ज से उसका प्रदर्शन किया गया और गगनभेदी जयघोष किया। कस्तूरी रंगन और उसके निर्दोष परिवार की हत्या का बदला भली भांति ले लिया गया था। जिन हिंदुओं को अफजल खान ने अत्यंत ही क्रूरतापूर्वक एवं छलपूर्वक मारा था, उन्हीं हिंदुओं के नायक ने अफजल खान का हिसाब चुकता कर दिया था। शिवाजी महाराज सकुशल दुर्ग में पहुंच चुके थे तो दुर्ग से तोप छोड़ी गई। नेताजी पालकर और उसकी मावली सेना जंगल से निकलकर बीजापुर सेना पर टूट पड़ी। बीजापुर सेना बहुत बड़ी थी, किंतु अचानक आक्रमण होने से तथा अफजल खान के लौटकर न आने से हतप्रभ एवं किंग कृतव्य में मूढ़ हो गई और इधर उधर भागने लगी। मावली सेना बहुत तेज गति से मुस्लिम सैनिकों को काट रही थी, इसलिए बहुत से मुसलमानों ने हथियार रखकर आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें शरणागत जानकर उनकी जान बख्श दी गई। अफजल खान के डेरे से शिवाजी महाराज को भारी मात्रा में हथियार, तंबू, तोपे, हाथी, घोड़े तथा 10 लाख रुपए नकद प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को एकत्रित करके उन्हें धनराशि पुरस्कार में वितरित कर दी। घायलों एवं मृतकों को धन एवं पेंशन देने की सहायता की गई। शिवाजी महाराज की इस विजय का समाचार आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। उसके चमत्कारिक किस्से हिंदू प्रजा में व्याप्त होने लगे। प्रजा को लगने लगा कि यह राजा हिंदू की रक्षा के लिए ही ईश्वरीय सहायता के रूप में भेजा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको बेहद रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक और ऐसा ही वीरतापूर्ण किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।